कटवर्क वाली साड़ी में कैसे फॉल लगाएं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करना है, फॉल को आप जो जो चीज़ें हमें फॉल लगाने में यूज़ करनी है, जैसे कि एक सुई, फिर धागा, फॉल और कटर। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले फॉल को आधे घंटे तक पानी में भिगो देना है, जिससे कि उसका स्टार्च निकल जाए और थोड़ा बहुत कलर होए वो भी निकल जाए। और फिर आधे घंटे के बाद उसको थोड़ा धूप में डाल देना है, निकाल के फिर हमें प्रेस कर लेना है। तो उस प्रेस करने के बाद, ये देखिए मैंने प्रेस कर लिया अच्छे से, और उसके बाद हमें फॉल लगानी शुरू करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स फॉल लगाते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें ये कटवर्क की साड़ी है, देखिए अच्छे से। तो इसमें हम मशीन से फॉल नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर ये फॉल लगाई तो इसमें सुई टूटेगी, और अगर हम इसको निकालते हैं तभी भी ये कटवर्क है तो ये फॉल हमारी अच्छे से लगेगी नहीं, इसलिए हमको ये हाथ से ही लगानी पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम फॉल लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है फ्रेंड्स, फॉल को हमें इस तरीके से थोड़ा फोल्ड कर लेना हाथ से पहले, फिर नेल से इसको ऐसे दबा लेना है जिससे कि बार बार इधर उधर ना हो। और ये देखिए हमें देखना है कि हमें फॉल कहाँ से स्टार्ट करनी है। ये हमारा पल्लू है फ्रेंड्स, और ये हमारा नीचे का पीस है। अभी देखिए फ्रेंड्स ये हमारा इतना पीस एक्स्ट्रा है, ये देखिए। तो फॉल हमेशा थोड़े से ही कपड़े में स्टार्ट करनी पड़ती है, जैसे ऐसे 10 इंच के करीब लेना पड़ता है। तो ये हमारा यहाँ से स्टार्ट होगी। तो फ्रेंड्स देखिए ये क्या करना है कि ये इस टाइप से होगी, ये जो हमारा ये पीस है एक्स्ट्रा, इसको हमको पहले ही फोल्ड करना होगा इस तरीके से। मैं इधर से फुल रखूंगी और इधर से इसको फोल्ड कर दूंगी। जो हमने पीस हमने फोल्ड किया था फॉल का, वो हम इधर लगा लेंगे फ्रेंड्स इस तरीके से। इस तरीके से लगा के फॉल लगाना स्टार्ट करेंगे। सुई में डबल धागा डालना है, सिंगल नहीं डालना, क्योंकि नीचे सिंगल डालने से धागा कट जाएगा, डबल डालने से वो मजबूत रहेगा फ्रेंड्स। सबसे पहले नॉट लगा लेनी है जो हमने फोल्ड किया था, 10 इंच के करीब इधर मैंने छोड़ दिया है। फोल्ड करके नॉट लगा के फॉल को हमें अटैच कर लेना है साड़ी से, और फिर हमें सिंगल टांका लेना है। ये देखिए नीचे मैंने, ये देखिए एक रजिस्टर यूज़ कर रही हूँ, मुझे इसी से अच्छा होता है। कोई पैड वगैरह लेता है जो बच्चों के एग्जाम देने के लिए होते हैं, मगर मुझे वो सही नहीं लगता क्योंकि उस पर फिसलती है सुई। इस पर सुई क्या है, फिसलती नहीं है फ्रेंड्स, एकदम इजीली हो जाती है, क्योंकि ये गत्ता होता है, नीचे जाती है सुई, इसलिए मुझे ये सही लगती है। नीचे के लिए तो हमें ज़रूरत नहीं है, मगर अभी मैं आपको जब ऊपर का लगाऊंगी तब आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से मुझे ऊपर में यूज़ करनी है, ये गत्ता जो ये रजिस्टर है किस तरीके से यूज़ करना है। देखिए फ्रेंड्स अब ये मेरा कटवर्क स्टार्ट हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा कटवर्क से ऐसे हल्का सा ऊपर ले करके हमें फॉल लगानी शुरू करनी है, ज़्यादा नीचे नहीं करनी है फ्रेंड्स, क्योंकि ये फिर फॉल दिखाई देगी इसके बीच में, कटवर्क के बीच में, इसलिए हल्का सा हमको फॉल को ऊपर रखना है जिससे कि फॉल दिखाई ना दे। ये हमें इस तरीके से हाथ से छोटा छोटा टांका, एक दो नीचे से दो धागे ऐसे लेना है। वैसे तो इतना प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि नीचे स्टोन लगा हुआ है, स्टोन लगे होने की वजह से हम थोड़ा मोटा भी लेने से चलता है, मगर फिर भी अगर कोई और साड़ी है और कटवर्क नहीं है, कुछ और लगा हुआ है मोती वगैरह, तो भी हमें हाथ से ही फॉल लगानी पड़ेगी फ्रेंड्स। मुझे ये थोड़ा प्रैक्टिस हुई है इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी हो रहा है। आपको थोड़ा सा ध्यान एक एक टांका लेकर अच्छे से लगाना है, नहीं तो ऊपर में बहुत प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स, बहुत झोल आता है और
फॉल सही से बैठती नहीं है और काफ़ी बार हमें उसको निकालना भी पड़ता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से करना है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा लास्ट में आ गया। जैसे हमने फर्स्ट में किया था, इसको हमने जितना भी ये तिरछा है कटिंग नहीं करना, ऐसे करके फोल्ड करके नेल से दबा देना है और फिर इसको लास्ट तक लगा देना है। ये देखिए, अभी हम इसको लास्ट तक लगा देंगे इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने लगा दिया है और फिर इसको हम अच्छे से लॉक कर देंगे जिससे कि फॉल निकले ना, क्योंकि ये हिस्सा हमारा कहीं ना कहीं अटक जाता है और सिलाई खुलने के चांस ज़्यादा रहते हैं फ्रेंड्स, इसलिए हमें ये लॉक अच्छे से करना है। ये देखिए, मैंने दो बार लॉक कर दिया है इस तरीके से। फिर हम इसको कट कर देंगे और नॉट लगा के जहाँ से हमने स्टार्ट किया था फ्रेंड्स, वहीं पर से हमें ऊपर की सिलाई करनी है। ये देखिए, ये देखिए मेरी कितनी अच्छे से लगी है फॉल्स। आप भी इसी प्रकार से लगाना फ्रेंड्स, इतना अच्छा नहीं लगता है फ्रेंड्स। ये देखिए, मैं अभी आपको पीछे करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए मेरी कितनी अच्छे से नीचे की फॉल लगी है और अभी मेरी ऊपर की स्टार्ट हो गई है फ्रेंड्स। ये देखिए, हमें इस तरीके से नीचे से ऐसे उठाना नहीं है हाथ में, जो कि मैंने पहले भी बताया आपको, बस नीचे रख के ही हमको टांके लेते जाने हैं छोटे छोटे। ज़्यादा छोटे भी नहीं लेने हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं लेते हैं। काफ़ी लोग हेमिंग से भी, हेमिंग के हिसाब से भी लगाते हैं, मगर मुझे इसी तरीके से पसंद है फ्रेंड्स। अब हमें ये, क्योंकि मैंने ऐसे करके ये नीचे का हिस्सा लगाया था फ्रेंड्स, इसलिए इसको हमें इस तरीके से फूल को दबा के करना होगा जिससे कि हमारी पूरी साड़ी में झोल ना आए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए मैं इसे दबा लूँगी तो पूरी साड़ी में कुछ भी नहीं होगा, अच्छे से लग जाएगी, कहीं भी झोल वगैरह नहीं आएगा फ्रेंड्स। ये देखिए, अभी हमारा बिल्कुल स्ट्रेट चलेगा फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरीके से, अभी इसमें साड़ी में फॉल लगाने में आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम स्ट्रेट आएगा। अगर हम इसको ऐसे फोल्ड नहीं करते थे तो हमारा, क्योंकि वो जो नीचे का पोर्शन हमारा एक पीस लंबा कटवर्क की वजह से और एक छोटा था, वो ही हमें फोल्ड करना पड़ा और उसी की वजह से इधर फोल्ड को भी फोल्ड करना पड़ा। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से देखिए मेरी कंप्लीट होने वाली है। ये देखिए, मैंने सिंगल सिंगल टांके ऐसे लेकर, सिंगल सिंगल टांके ही लेने हैं जिससे कि फॉल उसके साथ में अटैच रहती है और ऊपर तो बिल्कुल नहीं उठाना है फ्रेंड्स, वो हमें नीचे गत्ते का, काफ़ी लोग थाली वगैरह या प्लेट भी यूज़ करते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे वो यूज़ कर सकते हैं। और कुछ लोग इधर हेमिंग वाला भी करते हैं फ्रेंड्स, मगर हेमिंग वाला क्या है, वो पायल वगैरह में अटक जाता है और जल्दी खुलने के चांस रहते हैं, ये फॉल में अटैच हो जाता है इसलिए ये खुलने के कम चांस रहते हैं। और मेरे इधर सभी लोग यही लगाते हैं और यही पसंद करते हैं, तो मैं भी यही वाला टांका यूज़ करती हूँ। हेमिंग वाला जो तो पाइप होते हैं वो वाला मैं यूज़ नहीं करती हूँ। अब आप
चाहें तो इसको ऊपर उठा करके ऐसे एकदम सेट करके लगा सकते हैं पर, क्योंकि इसमें स्टोन है नीचे से नहीं आ रहा है इसलिए मैंने थोड़ा ऊपर उठा लिया है। आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं, ये बिल्कुल अच्छे से लगेगी आपकी फोन। ये देखिए फ्रेंड्स, फिर लास्ट में इधर आके नीचे एकदम जैसे हमने नीचे वाला टांका लॉक किया था इसी तरीके से ये वाला भी टांका लॉक कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से, ये देखिए दो तीन बार हमें इसको लॉक कर देना है जिससे कि धोने के टाइम या पहनने के टाइम कहीं भी अटक कर निकले ना। ये देखिए मैंने कितना छोटा टांका लिया है, धागा लिया है, फिर भी वो अटक रहा है। ये देखिए ये इधर से भी हम इसको अटैच कर देंगे। एक मेरे कहने का मतलब ये है कि एकदम अच्छे से फिनिशिंग से काम करना है। ये देखिए अभी मैं इसको धागे को कट कर लूँगी और ये हमारी फॉल लगकर रेडी हो गई है। ये देखिए फ्रेंड्स ये फॉल हमारी कितनी अच्छे से लगी है, ये देखिए आप, कहीं भी झोल वगैरह ये देखिए कहीं कोई टांका नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखिए कितने अच्छे से फॉल लगकर तैयार हुई है, ये देखिए। और अभी मैं इधर जहाँ प्लेन था वो भी मैं दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ भी कितनी फिनिशिंग से फॉल अटैच हुई है, टांके भी इतने अच्छे, क्योंकि ये हिस्सा जो मैंने अंदर फोल्ड किया था उसकी वजह से ही ये फॉल बस इतना हमारा आ रहा है। तो चाहे तो आप इसको टांग सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी छोड़ने से चलता है फ्रेंड्स। तो चलिए हमारी फॉल लग के रेडी हो गई है, आप भी इसी तरीके से लगाएंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि ऐसे ही लगेगी।